back mere sota hai side mein welcome to shabak gang shabak gang shabak gang अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। हम तीनों फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नए गेम के साथ। और आज की गेम कुछ इस तरह की है कि हमारे सामने लैपटॉप है और उस लैपटॉप के अंदर जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो असाइन बनाए हैं मेरी टीम ने, कि जिसका मुझे भी नहीं पता और इन दोनों को भी नहीं पता। और वो क्वेश्चंस हमारे हमसे ही रिलेटेड हैं कि कौन क्या बेहतर है और कौन क्या करता है। सो हम जस्ट वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद वो क्वेश्चन पढ़ के हम बताएंगे कि हम में से कौन जो है ना वो इसको करता है। मीनवेल वो क्वेश्चन सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे, तो शुरू करें। हु इज़ द बेस्ट एडवाइज़र? यार जवाब साहब, जवाब साहब द बेस्ट एडवाइज़र। अगला हमारे पास है ही। हु स्टार्ट्स फाइट फर्स्ट? ये बेटा आपस में नहीं, बाहर आपस में भी, आपस में भी लड़ाई सबसे पहले ये लड़ाई थी। एवरी टाइम रोड़ा रप्पा डाल दे तो लड़ाई नहीं, वो एक ही बात है। और मैं जो बिल्कुल लड़ता ही नहीं, ये भी नहीं लड़ता। बाबा नहीं, मैं लड़ता कभी। अच्छा, हु डोंट हैव मनी ऑल द टाइम? मैं जवाब नहीं यार, मेरे पास ओवरऑल होती है मनी। तेरे पास तो 10 तारीख है बस, तेरी 10 तारीख है बस, तेरी 10 तारीख है बस। हाँ। अपने पास अलग यार मेरे जेब में इशारा किया था, जेब में तो होते हैं ना, मेरे जेब में नहीं होते हैं। जेब में वो मेरे तरफ कर, जेब में भी, लेकिन अब तो वो भी होते हैं। 3 महीने से वॉलेट रखना शुरू कर दिया मैंने जेब में। भाई मेरे तरफ जेब की बात की है, अकाउंट में बात नहीं की। वो अकाउंट में हमेशा इसके होते हैं, हम लोग नहीं होते, सबके होते हैं अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं मेरी आदत नहीं थी वॉलेट रखने की, अभी इन्होंने कह के 3 महीने हुए। वो मुझे 10 तारीख तक पैसे, उसके बाद 20 तारीख तक और 30 तारीख तक फारक खत्म। ये वापस की बात है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि जब आपका मंथ स्टार्ट है उसमें आप तीन सक्सेसफुल लोगों की ये एक चीज है कि वो निशानी है कि वो तीन अपनी पैसों के अंदर से 3 हिस्से बना देते हैं, कैटेगरीज बना देते हैं। एक वो होता है जो सेविंग होती है, एक जो वापस इन्वेस्ट करना होता है, और एक जिसमें आपने अपना लिविंग सारा वो करना। तो वो जवाब सा पहले 10 दिन में वो लिविंग वाला खाते हैं, बाकी सियाना आदमी से एक हिस्सा अल्लाह पाक का भी। अल्लाह पाक का तो मस्ट है, वो तो मस्ट है, वो तो मस्ट है, वो हमने साइड पे करके फिर हिस्से बनते हैं जी। आगे यार नहीं जो यार ये तो मैं जिंदगी में नहीं मान सकता, मैं भी नहीं मान सकता यार। कहां पे कुछ यार किया जा सकता है? वो देखी राणे देखी मुझे कभी कहो नहीं, ये गाड़ी नहीं ठीक चला। भाई मेरी बात सुनो यार, देखो कितनी मुश्किल मुश्किल जगहों पे आप सवाल भाई मेरी बात सवाल है जी, हु ड्राइव्स द कार बेस्ट? हां जी ठीक है, मेरी बात सुनो। मुझे और इसको अनारकली बाजार में गाड़ी दे और क्या रिवर्स करो। हाँ, तुझे कर देंगे, तू करके दिखा। तू कर, मैं भी कर, नहीं कर देगा तू। तीनों ही है, सवाल होना चाहिए था कि किसको गाड़ी चलाने का ज्यादा शौक है, फिर हमने यूं कर दिया। हां फिर करना दोनों की हर जगह मेन गाड़ी है ना। हां तीनों अच्छी चला देते हैं। चले जी, लाइसेंस भी तीनों के पास इकट्ठे, अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे बनवाए, रिन्यू करवाए बने। हु हैव गुड ड्रेसिंग सेंस? ओ वाओ, ये दोनों, ओ वाओ, ये दोनों Somehow ये करता यार, उसका काम का काम है, वो ट्राउजर्स और एक ही टी शर्ट है और कैप उसका एक रहेगा। मैं हर तरह के कपड़े पहन लेता हूँ। नहीं नहीं, ये दोनों मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। मैं बहुत गंदी ड्रेसिंग करता हूँ, मैं अपने मुंह से मानता हूँ। ये दोनों, चलो जवाहर साहब को जब भाभी ने तैयार करके भेजा होता है तो अक्सर ये सीरियसली ये प्रिंसिपल साहब जब अपनी सीट से उठ जाते हैं तो क्या क्लास किसने ड्रेस पेंट शर्ट पहनी होती है, ये मतलब अक्सर होता है, हर दफा नहीं होता, ज्यादा खुश ना हो। इसका पिछले ब्लॉग देख लो सारे के सारे, ये हमेशा लेट होता है भाई। और आज आते सारे सबसे कहता है जवाब आपने मुझे लेट करवाया ना, बंटी की वजह से लेट हुए, उसकी वजह से लेट हुए, खुद नहीं मानता लेकिन हमेशा लेट होता है, हमेशा लेट। Who is more confused? जो ये क्या सवाल रखे यार आपने, हम में से confused तीनों में से कोई नहीं, कंजूस कोई नहीं है तीनों में। नहीं सवाल अच्छा है, कंजूस वाकई कोई नहीं, कंजूस कोई भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा होने चाहिए, होने चाहिए अल्लाह देते और अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, आठ है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। कंजूसी वाला कोई अच्छा जी। Who got the best sense of humor? कर दे इशारा, मैं बैठा हूं। अच्छा 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 आगे। Who is always hungry? नहीं मैं हंगरी तो मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र नहीं होता, खाना जितना मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
कि रोटी खाई हुई है फुल फुल मलीने से आया रोटी खचा खच मार के खा के तसल्ली बख्श। मैं बैठा था रस्ते में डेली डेली कहोगे इधर मैं इधर बैठा मैं आ जा आई आ गई बड़ा बर्गर डबल पैटियों वाला करा लिया जो मैं सुबह से कुछ नहीं खाता मैं सिंगल पैटी डबल वलीमे पे खाना खाए आधा पौना घंटा हो गया था और मैं तुझसे 30 किलोमीटर दूर से ड्राइव करके आ रहा हूं। खाते ही निकल आया था और तैयार हुआ था बकायदा आगे दोबारा रख गया था। तो भाईजान हर टाइम जो कोई चीज खा ले तो वो इसका मतलब यही है अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जो रिज़्क लिखा होता है वो बाबा ये बात है उसको मतलब अभी ये खाता कम है तो ये आवाम को पता है। हां जी अच्छा जी बिस्मिल्लाह आगे हो से सॉरी फर्स्ट जवाब क्योंकि गलती अक्सर जवाब की होती सबसे भाईजान फौरन मान गलती अक्सर जवाब की फौरन देखो भाई सीधी सी बात है ठीक है बंदा वही और से मैं जनरली बात कर रहा हूँ पहले दोस्तों की बात करूँ कि सॉरी ना कहो तो ये वो जलील करते हैं जिसकी कि जब तक ये गोडा रखवा के धोन के ऊपर सॉरी कहलवाना रहे जान नहीं छोड़ता तो बेहतर है पहले हार मान सॉरी बात खत्म। यार वैसे हमें आज तक किसी ने आपस में वैसे एक सवाल है मेरा एक और मेरे हमें ऐसे आपस में एक दूसरे को सॉरी कहा किसने आज तक ये कह देते अक्सर सॉरी एक बार की हल्की सी लड़ाई कोई नहीं होती वैसी वो एक बात के हम बड़े कहते हैं कि गलती की सबसे पहली उसकी जो असलाह है वो ये है कि माजरत कर लें गलती होगी आपसे माजरत जो ये सब उम्र के लिहाज से आती है बुढ़ापे के लिहाज से तो इसलिए आप इसमें अब अपनी ऑडियंस के सामने ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश कर 1988 की बात है इसलिए आप जरा जल्दी कर लें हम जरा अभी जवान है गर्म खून अच्छा जी हु मेक्स एक्सक्यूजेस फॉर नॉट गोइंग आउट आज उधर चलते हैं पुराने लक्ष्मी चौक ऐसा गेड़ा ये उसका काम है ये अब मेरे काम पे तुम ले आते हो भाई मेरे काम से पहले भी मेरी तस्वीरें इसकी तस्वीरें बहुत प्यारी आती है उसके बाद तेरी बहुत प्यारी है मेरी तो तस्वीरें अच्छी आती है इसकी 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 भी बहुत प्यारी तस्वीरें आती है ठीक है इसको तस्वीरें खिंचानी आती है सीधी सी बात है जो मर्जी ऐसे करके शक्ल बना रहे थे इसकी तस्वीरें बहुत फोटो जाने के जी हां इज ऑलवेज अवेलेबल टू हैंग आउट ये भाई तू डिसाइड ही नहीं कर सकता हम दोनों में से ये तो इधर इशारा ये इसी का इशारा कैसे किया है भाई दोनों को किया है मैं होता हूं हमेशा तू मेरी तरफ कर मैं तेरी तरफ हां थोड़ा सा अब है शादी होगी वो ध्यान रखना पड़ता है एक्सक्यूजेस लेकिन एक्सक्यूजेस द मोस्ट मनी कभी हिसाब ही नहीं रखा तो हिसाब नहीं बराबर करते हैं सारे जो फाइनेंशियली वेल मैनेज्ड बंदा है ना हम तीनों में से बहुत वेल मैनेज्ड वो हम ये चीज ऐसी है ये ऐसे इसने इतने खूबसूरत तरीके के साथ अपने पैसे मैनेज किए हुए होते हैं ना और हम दोनों से ये इक्विपमेंट लेना है ये ऐसे करना वो हमारा दोनों का साथ तीन तीन महीने के पहले से अपने प्लान किए होते हैं जी वो तब मुझे खर्चा पड़ेगा इन्होंने भी किए होते हैं तो हम उस तरह से मैनेज नहीं करते ये बहुत वेल मैनेज्ड है। अच्छा जी हु इज लाइकली टू किल समबडी विद एंगर ये भाई एक दफा क्या हुआ मैं बताता हूँ जी हम दोनों खरामा जा रहे हैं ठीक है जी ये मेरे साथ फ्रंट पे बैठा हुआ मैं गाड़ी चला रहा एक दफा बंदा जो है ना वो पास से गुजरा वो शीशे के साथ ये स्क्रीन टोन चेक करो सांसों की माला अरे मेरी सुन लो अच्छा वो जी पास से बंदा गुजरा उसने शीशे के साथ शीशा टच हुआ तब नहीं कुछ कहा एक दफा बंटी ना उसकी तरफ ऐसे देखा बंटी चला रहा था मैं फ्रंट में बैठा था सॉरी मैं थोड़ा सा क्रेशन करता हूँ फिर आगे गए उसे दोबारा से टच किया बंटी ने शीशा खोला जे तू हूं तू जी आ रही टच किया ना तो वेख नहीं फिर यार जवाब पहली दफा कुछ नहीं कहा वो बार बार सिग्नल बंद था और घुसाने की कोशिश कर रहा था अगला हु इज द डेयर डेविल मैं तो मैं खुद ही अपनी तारीफ कर दूं पुठे बाबा ही लेता है भाई हां ये डेयर डेविल ऐसे कहो कि फुल
क्रेजी एडवेंचर तो भाई इस बंदे हमने करने लगे गोरे जो बंदा मोटरसाइकिल लेके चला गया कहां का वो तो डेड है भाई लेवल तो यही है रात ये इसकी वीडियोस देख के अक्सर ही रात को कहीं जा रहा था मुझे और तक ये भाई रात को बंदा ना बंदे बूम बूम पंडी कर रहा है ये डेड है और यही है भाई हु हैज द शॉर्टेस्ट टेंपर Shortest temper temper वो तो बाबा आदमी है ना अबे बर्दाश्त करता दोनों को चलो टेम्पर का हु इज वर्स्ट ड्राइवर तला ये यार एकदम मुंह पे है तला अच्छी गाड़ी चलाता है लेकिन बस ड्राइवर तला अच्छी गाड़ी चलाता है जब वो सीट पे हो बुरी गाड़ी चलाता है जब वो पिछली सीट पे हो मैं इस पे भी स्टोरी है जी हम जा रहे नारायण से हुंजा की तरफ रात के बजे में तकरीबन 7:30 बजे के करीब नहीं 7 से भी लेट हो गया था अंधेरा हो गया और उस वह पहली दफ़ा जो है ना हुंजा की तरफ खिंची हुई है गाड़ी हमने ये सारे के सारे पीछे थे तला मेरे साथ बैठा हुआ अब तला जो है ना हर दूसरे मिनट बाद हाई बीम कर लो स्लो कर लो इस लाइन जवाब भी बता इसलिए 3 घंटे इनकी पहली मुलाकात थी मतलब अच्छा उसके बाद थोड़ी देर चला ना उसके बाद जब एक दफा ना मुझे कोई फिर हुआ ना आगे से मैं हाई बीम कर लो लो बीम कर लो तू मेरा प्यो लगा फिर तला चुप हुआ लेकिन फिर भी नहीं चुप लेकिन तला जिगर आदमी अच्छा जी अगला हु इज द लाउडेस्ट लाउडेस्ट किस मामले में ऊंचा कौन बोलता है मैं ये फोन पे फोन पे तू बहुत ऊंचा बोलता है वैसे ही बहुत ऊंचा बोलता है मैं लाउडेस्ट हूं वो बंदा कमरे में बैठा हो और ये इर्द गिर्द वाले गाड़ी में जवाब साहब को किसी का फोन आ जाए बस फिर जवाब साहब को गाना चल रहा है कोई कुछ चल रहा है वो फारा है सारा हाँ हेलो उधर से ऐसे कहा हाँ बूटे उधरों एवं करके एवं कर दी बहुत ऊंचा बोलता है पिछले दिनों देखा वो बैटरी यूजेज जो है वो इसका देख ले और मेरा देख ले मेरे और इसके स्क्रीन टाइम में 30% का वैसे ही है जवाब साहब वो तो चलो काम करता जवाब साहब ये जवाब साहब वीडियो देख रहे होते लंबी लंबी ये सिग्नल पे रुके हैं तो ये इंस्टाग्राम खोले थे एडिक्शन है इसको हाँ कह सकते हैं चलो उसकी उसकी वो पबजी से रिलेटेड वीडियोस पबजी स्ट्रीम देखता है बहुत ज्यादा सारी देखते हैं आगे चले जवाद हु इज मोस्ट केयरिंग जवाद साहब नहीं मेरा ख्याल नहीं जवाद साहब हमदा नहीं तीनों है वैसे यार आपस एक दूसरे मतलब केयरिंग का ये है ना कि उसमें हर चीज अगर ले आना कि वो ऐसे बड़ा लेके चलता है ओवरऑल तीनों है लेकिन वैसे जवाद वो अक्सर अपने मेन बड़े बड़े मेन काम छोड़ के पहुंच जाता है इसको अगर फील हो रहा हो कि नहीं वहां पे मेरी जरूरत है ये पहुंच जाता है Who is Mama's boy? यार Mama's boy? यार crazy यार तुम खुदा की परेशान भाई मुझे तो घर से फोन ही नहीं आता मैं मेरी तो ये ख्वाहिश रहेगी मुझे घर वाले फोन करें मुझे घर वाले फोन करें कि हाँ किधर है बंटी कब आना ये वो मुझे कभी फोन नहीं यार मेरी एक मिनट Mama's boy कौन होता है जो सुबह सुबह उठ के दूध पीता है आज तक सुबह सुबह उठ के दूध पीता है उसके बारे से दिन नहीं शुरू होता Mama's boy यार अगर मामा टाइम पे घर जाने में ये Mama's boy टाइम पे घर जाना है मैंने ये घर नहीं पिताना ऐसे नहीं करना वैसे नहीं तो जवाब सब आप है अगर Mama's boy देखा जाए तो मैं वैसे माँ की तो जाहिर है सभी सब Mama's boy सबकी माँ की तो लेकिन ये वो वाला ना Mama's boy वाला जो माँ से पूछे बर्गरों वाला Mama's boy मम्मा के साथ या घर वाले के साथ शॉपिंग किए हुए उनके कपड़े पहनना इस तरह की चीजें ये करता है हाँ वो Mama's boy है लाडला है हाँ चलो जूतियां भी सबसे यार तुम वैसे मेरी तरह तुम वीडियो बंद हो लेकिन सॉरी Who is likely to be hurt? हो गया बैल फर्स्ट हो गया भाई हो गया होना गया ये देख लो हो गया कैमरे की सफाई है कैमरे के बाल देखो उनके बाल देखो मेरे बाल देखो हो गया भाई हो गया Who is more shopaholic ये क्या होता है भाई खरीदारियां कौन ज्यादा करता है कोई भी नहीं खरीदारियां अब फिर कोई बात आ गई उसका काम है उसने ये लेना माउंट लेना कैमरा लेना वो शॉप वाली काम वाली चीज छोड़ कोई भी नहीं है मेरे कोई भी नहीं है अपा कभी तू याद होगा इकट्ठे गए हैं शॉपिंग करने पे नहीं 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 इस तरह वाला सीन हमें ऐसी ही चलते फिरते एक चीज पसंद आ गई वो ले ली अगली दफा वो पसंद आ गया वो ले लिया ये वाला सीन है हु नेवर हैड क्रेडिट इन हिज फोन
व्हाट्सएप तुम्हारे कौन सा होता है? इनकी पैकिंग, ये शादी, ये बीवियों वाले बंदे। भाई मेरा ये सीन है कि मैं हर हफ्ते 30 GB का इंटरनेट पैकेज करवाता हूँ, मुझे उसकी जरूरत फुल ऑन होती है। और उसके फोन तो किसी को, फोन में किसी को, फोन में व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप राणा साहब के कहते हैं महीने का मुझे जो है ना वो 3,000 या 4,000 जो है ना वो मेरे अकाउंट में फेंक देते हैं। उसके बाद हर महीने बाद 300 का लोड करी, 400 का लोड करी, 500 का, हफ्ते बाद हफ्ते का कराता हूँ मैं 30 GB खुला। हमारे पास पोस्ट पेड होते हैं या जो है ना उसके पास व्हाट्सएप, हमने तो ये अलार्म लगाया होता है रिमाइंडर एक महीने का पैकेज के पिछले क्रेडिट्स एक्सपायर ना हो जाए। बड़े बिजनेस काफी बड़े बड़े चल रहे हैं तो वो इज मोर जनरस। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दिया तीनों ही अपनी इस्तात से ज्यादा इस मामले पे खर्च करते हैं। इसमें कोई, इसमें कोई नहीं। हु इज गोलीबाज? गोली तो भाई जो मैंने कह दिया वो, हां मैंने कहा कि मैं सुबह नहीं उठूंगा तो मैं नहीं उठूंगा, जवाब गोली। इसने मुझे एक दिन ऐसे टाइम पे गोली कराई थी कि वो मैं वो बता नहीं सकता मैं मौका, मुझे पता हाँ मेरे ख्याल शायद बचा गया था लेकिन आखिरी कोई तीन नहीं बल्कि लेट करवा दिया, थोड़ा सा लेट करा, आधा घंटा लेट करा। ओए होए उस दिन मेरा दिल कि हाँ ऐसे ही कोई इवेंट था, कोई उस दिन मेरा दिल किया था कि भाई ये जो आज बात बताई है परसों तरसों जो मुझे गोली कराने की फिल्म, इसको भी परसों गोली कराने की कोशिश इसने की। उसने कहना कि तुम घर में तुम कैसे नहीं बोलती, और ये अक्सर इसका ज़हन होता ही किसी और जगह पे या इंस्टाग्राम में इसका ज़हन होता है, बात करो ऐसे। Who is more lazy? ये बैठा हर जगह, ये तो लोगों को पता है में सो रहा था। ये जो इसने जिस तरह कह दिया ना ये बैठा भाई, ये इससे जवाब मिल गया सबको। 9 घंटे सोने के बाद भी घंटा उछल बटे लेके फिर 4-5 घंटे सो जाता हूं। ये अभी इसका जो ऑफिस ये इसने शुरू किया उससे पहले इसको हम बता रहे कि ये बिजनेस तू कर सकता है, इसको 4 बिजनेस बताए। आखिर में कहता है यार ये चारों हैं ठीक लेकिन इनमें मेहनत बड़ी मैं नहीं कर सकता। और अच्छा लेजी पुने की ये आदत कि कल इसको पिक करना था, ये आया बस अड्डे से, आया बस अड्डे से बाहर का रास्ता तकरीबन 500 से 600 मीटर है, 500 मीटर नहीं 250 300 मीटर यार चल के बाहर आ गया। मुझे कोई ना कोई सीजन ऐसा पसंद आता है कि वो देखता हूं। मूवी लवर मैं क्या ऐसे लव लग कई लोग होते हैं ना यार को मूवी दस्ते यार केड़ी आज देखा नींद नहीं आनी। हु मेक्स क्यूट फेसेस? क्यूट फेसेस तीनों जवाब ही है ये। ये कभी-कभी क्यूट हो जाता है, ये कभी-कभी क्यूट हो जाता है, करता है ऐसी हरकतें जैसे इसने वो कहा जो यू किया था ये जवाब इस तरह कभी कभी-कभी बनाता है ये कभी-कभी ऐसे मुंह। हम तो छोरे हैं हमारे क्यूट वाले क्रैक्स लेम जोक्स। ये बैठा इतने फारिग जो ये बंदा मारता है कोई बात है कोई बात हां जी बात आगे बात खत्म हो बात खत्म होगी बात। मैं कहा अच्छा हंसना था इस पे यार हंसी यार। हु कैन क्रैक्स जोक इन इंटेंस सिचुएशन? ये मैं भी कर सकता हूँ। ये दोनों ही करते हैं, दोनों ही करते हैं। ये पता नहीं कहाँ पे हुआ यार। मैं इसकी भी ये आदत है, ये इंटेंस सिचुएशन ज्यादा होगी और भैया जी। और मुझे ये मेरा ये मसला है कि मुझे जब एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आ रहा हो या सिचुएशन बड़ी हैवी हो मेरी हंसी निकलने अगले बंदे को लगता है कि ये पागल है यार मुझे और चढ़ा रहा है ये। चल ये उसी में आ गया कि एक बंदा दबा बैठा उसको और मजीद और मजीद। हु टेक्स टाइम टू टाइम इन डिसीजन मेकिंग? मैं तो बहुत लेता हूँ, ये भी बहुत लेता है, ये हम दोनों ही लेते हैं क्योंकि तेरा अकेला डिसीजन नहीं होता। तेरा कम है हमारा ना, हमारा हम दोनों का, मेरा और हमारा का मेरा 50-50 सीन है। मेरा अक्सर चीजों में ऐसे होता है और अक्सर चीजों में बहुत डिले होता है। नहीं जब इसे कोई चीज खरीदनी होती है ना हैवी चीज या कोई अच्छा डिसीजन लेना होता है इसने तो ये उस वक्त बहुत टाइम लेता है क्योंकि इसने भी डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से वर्किंग भी बहुत सारे लोगों से मशवरे करने होते हैं कपड़े वपड़े वाले मामले में ऐसे ऐसे ये कपड़े लेने हो इसने कोई चीज लेनी हो अगर इसने कोई गाड़ी मेरा ख्याल जिंदगी में तो ऐसा कोई डिसीजन ही नहीं है जो मैंने सोच के लेना कि अच्छा मैं डिसीजन ले रहा हूँ। चल आगे आगे। Who can eat anything no matter how disgusting it? उच्ची पढ़ा ना। Who can eat anything no matter how disgusting it was?
वो कहता है भाई उसका एक रूल है हलाल हो कुछ जो मर्जी हो रगड़ देगा। जवाहर साहब ने कराची जाके आपने अगर व्लॉग देखा है तो जवाहर साहब ने वो प्रॉन्स और ये वो चीजें नहीं खाई बिल्कुल। स्लाइड शो क्लिक टू एग्जिट ये कौन है भाई ये क्या इसका जवाब क्या है ये कौन है जवाब। चले जी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी आज की गेम पसंद आई होगी। So, बहुत कुछ ऐसी बातें के जो कि शायद हमारे बारे में नहीं पता थी। अगली दफा मैं सवाल लिख के लाऊंगा हमारे बारे में नहीं पता थी वो आज पता लग गई आपको। सो दुआ कीजिए हमारे लिए कि अल्लाह इसी तरह से हमारी दोस्ती को और इसी हमारा प्यार बनाए रखे जिंदगी तंदुरुस्ती दे और हमारी तमाम जायज ख्वाहिशात को अल्लाह मियां पूरी करे सबकी सबकी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एंड पे कह रहा गजरेला उठा।